देखिए, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक, बीबीए शुरू करने से पहले हम लोग को ये जान लेना है कि प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है, प्रोग्रामिंग की है पहले आपने कभी ना, तो प्रोग्रामिंग के क्या मेथड है, कैसे करते हैं। जैसे फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका एक मेथड होता है कि इक्वल टू से स्टार्ट होगा या उसके बाद उसका नाम डालेगा, फिर ब्रैकेट होंगे, तो इस तरह से कुछ रूल फिक्स है पहले। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के भी रूल फिक्स है। ठीक है, मतलब आप चाहे कुछ भी बनाए वो रूल सेम रहेंगे। तो पहले प्रोग्रामिंग की तरह आपको सोचना पड़ता है, मतलब कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसकी तरह सोचना पड़ेगा आपको कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। इसका सिंपल मीनिंग है कि अपने जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं उनको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें कुछ इसके फ्लो चार्ट सीखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे तो क्लियर हो जाए कि प्रोग्रामिंग है क्या। ये जैसे मैंने एक्सेल खोल लिया है, डेवलपर टूल बार है, प्रोग्रामिंग के लिए ये जरूरी है। ठीक है, डेवलपर कहाँ से आए, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमाइज रिबन है, और ये डेवलपर अनचेक होगा आपका, उसको चेक कर देना है और ओके कर देना। ठीक है, तो आपका ये डेवलपर आ जाएगा। डेवलपर देन आपके पास विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक क्या है, कई लोग इसे मैक्रो कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, पर एक्चुअल नेम है विजुअल बेसिक, VBA कहते हैं, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है। विजुअल बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपकी जावा होती है, सी शार्प होती है, सी होती है, कोई भी जो लैंग्वेज है, तो उसी से बिलोंग करती है ये VBA। ठीक है, तो VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसको कह रहा है, ये कितने भी एमएस ऑफिस एप्लीकेशन है, चाहे वो आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, पीडीएफ, एक्सेल है, एक्सेस है, तो उनके लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं सेम ही होते हैं, पर ये एप्लीकेशन के लिए है तो उन्हीं के कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज करके चलता है। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट बनाते हो खुद से, जैसे आपको बटन चाहिए तो बटन बनाते हैं, पर इसमें आपके पास जैसे बटन टेक्स्ट बॉक्स उसमें होता है, यहाँ आपके पास एक्सेल शीट है, तो एक्सेल के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है वो मैटर करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेल है, शीट है, वर्कबुक है पूरी, ठीक है, पाइवट टेबल है, चार्ट्स है, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स को यूज करेगा प्रोग्राम। ठीक है, कि जो भी कुछ आप एक्सेल में कराना चाहते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करना। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप क्या होने चाहिए, पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या असल। उसको समझाने के लिए कुछ बेसिक फिगर्स है, इनको समझते हैं। ये जो फिगर है इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कहते हैं। ठीक है, ये वाला राउंड स्टार्ट स्टॉप, कोई भी स्टेप में शुरू करना है और एंड करना है तो हम इनका यूज करते हैं पेपर पे दिखाने के लिए, प्रोग्राम बन के आ रहा है। ठीक है, दूसरा है प्रोसेस। किसी भी चीज में क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कंप्यूटर हमेशा इसी पे डिपेंडेंट रहा है। इनपुट मतलब कोई इंफॉर्मेशन दी है आपने, प्रोसेस कंप्यूटर ने उस पर क्या किया, आउटपुट जो आपको चाहिए कंप्यूटर ने उसे दिखाया था। जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपने पढ़ा है, इनपुट डिवाइसेस इनपुट इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के काम आते हैं। क्या होती है, हमारा ये हो गया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, या इस तरह की, जैसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है हमारी, जो अंदर सीपीयू है, एक ही प्रोसेसर इसीलिए उसको बोलते हैं। देन आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आ गया, स्क्रीन आ गई, ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्रोसेस का साइन ये है स्क्वायर, इनपुट का रेक्टेंगल होता है, टिल्टेड होता है, इनपुट का ये साइन। तो स्टार्ट देख लिया, स्टार्ट एंड जरूरी है, देन प्रोसेस का ये है, इनपुट का ये है, आउटपुट का ये होता है, डिसीजन आउटपुट का थोड़ा सा इस तरह से साइन होता है, डिसीजन का भी एक स्क्वायर टाइप का होता है, ये भी टिल्टेड होता है। डिसीजन मतलब कि हमें ये करना है कि नहीं करना, जैसे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें दो कंडीशन आती है ना, जहाँ कंडीशन आ जाती है, अब उसमें आप दो फ्लो चलते हैं, एक तो कंडीशन अगर ट्रू हो
और एक तो फॉल्स हो। हाँ, तो इस तरह की जब कंडीशन देनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपने स्टेप स्टार्ट किया, फिर कंप्यूटर को बताया कि आपने कुछ करना है, कंप्यूटर पहले से कुछ तैयारी करेगा या नहीं करेगा या इनपुट लेगा, फिर उसके बाद उसने कहा कि आपने एंट्री ऐसी की थी क्या, मतलब ये एंट्री दो से डिवाइड होनी चाहिए क्या, तो वो डिसीजन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसको ग्राफ करेंगे। देन आउटपुट जो है वो इससे दिखाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या है, जैसे मल्टीप्लाई बाय टू करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो इसमें दिखाएंगे, इसके थ्रू डिनोट करेंगे। यही मेन होते हैं। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप के लिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट और डिसीजन सब इस पे चलेगा। इसके बाद जब आपके प्रोग्राम लेंदी होने लग जाते हैं कि मतलब एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो हम जैसे कंटिन्यूड ऑन फिफ्थ पेज, कंटिन्यूड ऑन सिक्स पेज ऐसे करते हैं। तो ये कनेक्टर है, ये दो तरह के कनेक्टर है, एक है ऑन पेज कनेक्टर जो कि राउंड शेप का इन्होंने यूज किया। ऑन पेज मतलब आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना रहे हो, इधर आपने बनाया और दूसरी जगह उसका एक्सटेंशन दे दिया, तो आप यहाँ से कनेक्ट करोगे कि गो टू दिस पॉइंट, और वो दिस पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई करेंगे और फिर नीचे फ्लो चालू हो जाएगा। जैसे स्टार्ट स्टॉप था ना, उसी तरह से फिर ये रिटर्न भी करें। पेज ऑफ कनेक्टर मतलब जो कुछ पेज से अलग है, जब तक मैं इस पेज पे काम कर रहा था तब तक ठीक था, पर मेरी डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है, हजारों पेज का या 100 पेज का, तो मैं बोलता हूँ कि इसके आगे जो मैं एक्सटेंशन बना रहा हूँ 67 पेज पे बना रहा हूँ, तो इस पे दूंगा मैं गो टू पेज नंबर 67। ऑन पेज कनेक्टर सेम पेज के लिए, ऑफ पेज कनेक्टर उसी पेज के लिए, किसी और पेज के सेम पेज में लग गया मेरा जो कोडिंग हो रही है। कोडिंग पे अभी नहीं आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं कि पेपर पे कैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले उसको समझना जरूरी है, फिर कोडिंग पे आएंगे, फिर मैं इसी चीज से आपको कोडिंग से कनेक्ट कर दूंगा सब कुछ। यहाँ जो मैं आपको पेपर पे समझाने वाला हूँ, यही चीज मैं आपको कनेक्ट करने अभी आ जाएगी। जैसे ही यूजेबिलिटी देखोगे आप समझ आ जाएंगे। अभी याद रखने वाला क्या है, स्टार्ट स्टॉप होगा, प्रोसेस इनपुट आउटपुट और डिसीजन, बस ये। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा ही नहीं कि प्रोग्राम तो कैसे पता पड़ेगा क्या करेगा, है ना। दो तरह के कनेक्टर होते हैं बस, और दूसरा फ्लो लाइंस कि किस दिशा में आपको जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से दो फ्लो निकलेंगे, कंडीशन है दो निकल सकते हैं, है ना, तो एक इधर चले जाएंगे हम, एक इधर चले जाएंगे, तो किससे जाएंगे, एरो के थ्रू जाएंगे। एरो से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, साइन समझ में आ गए, ये एज अ साइन हो कि किस किस तरह के होते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सिंबल किस चीज का, ये किसका, प्रोसेस, ये किसका, ये किसका, स्टार्ट एंड स्टॉप का। ठीक है, देन ये किसका, ये आउटपुट का, आउटपुट का। ठीक है, अब देखो कि एक इंस्टीट्यूट है, अब उसमें आपको लेना है एडमिशन। अभी हम प्रोग्रामिंग पे नहीं आ रहे, पर मेथड जो फॉलो होता है उस पे आ रहे हैं। इसको समझने के लिए साइन कैसे यूज होगा, सबसे पहले प्रोग्राम होगा स्टार्ट, क्या है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन IICT, एक इंस्टीट्यूट कोई भी, उसमें प्रोसीजर क्या है, पहले आप करोगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट जरूरी, फिर फ्लो लाइन आई, उसके बाद क्या करना, गो टू IICT सेंटर। तो पहले कैंडिडेट क्या करता है, IICT के सेंटर जाता है, जो कि एक प्रोसेस है। ठीक है ना, प्रोसेस का डिफरेंस समझ में आ रहा है। फिर इंक्वायरी फॉर्म, अब वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनपुट कर रहा है, इनपुट बॉक्स आ गया, उसके बाद टेस्ट दिया। अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो एक प्रोसेस है इंस्टीट्यूट का, वो टेस्ट गेट काउंसलिंग, उसी हिसाब से इंस्टीट्यूट ने उसे सजेस्ट किया कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। फिर उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, जिसमें अपनी फिर से कुछ इंफॉर्मेशन दी, पेज द फी, फी पे करता है, इसमें वो एक प्रोसेस का हिस्सा हो गया, क्योंकि फीस जब तक पे नहीं करेगा तब तक कोर्स शुरू नहीं होगा। देन जॉइंस द कोर्स की एंड गेट द स्टूडेंट की। अब ये आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या हो गया कि उसने एडमिशन ले लिया। ठीक है, स्टूडेंट की डिग्री मिल गई उसे, स्टॉप। तो जैसा कि एक प्रोग्राम देखा आपने, इस तरह से आपने पेपर पे ग्राफ बनाया। अब किसी स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है
तो आप ये लिख के दिखा दोगे कि भाई साहब ये फॉलो कर, ठीक है, एक्सप्लेनेबल है उसको, अगर वो इस साइंस के बारे में जानता है तो वो पकड़ लेगा मुझे, है ना। आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे, कोई प्रोग्राम बनता कैसे। देखिए प्रोग्राम जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब एक बाय एक इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कंप्यूटर को कि आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई मेरे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू ऐड टू नंबर, तो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं दो नंबर ऐड कर देगा। अब देखिए कैसे डिनोट होगा, स्टार्ट गेट द फर्स्ट नंबर, ये क्या हो गया इनपुट हो गया, पहला नंबर डालो, गेट द सेकेंड नंबर, ये भी इनपुट हो गया। अब देखिए एक और डिफरेंस है इसमें, हम लोग जो क्या कर रहे हैं फॉर्मूला बना रहे हैं, मतलब हम प्रोसीजर बना रहे हैं, हम उस पर खुद नहीं एक्ट करने वाले, हम किसी के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वो उसको यूज कर सके। मान लो कि इसी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, तो अगले के लिए बना रहे हो, तो नंबर कुछ भी डाल सकता है, वो फ्री टू एंटर है, ठीक है, हम नहीं डाल रहे, हम एक ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे जो सबके लिए कॉमन होगा, है ना। अब स्टार्ट किया, इनपुट पहला नंबर, इनपुट दूसरा नंबर, देन ऐड द टू नंबर्स, ये क्या पार्ट हो गया प्रोसेस, ये कंप्यूटर करेगा ऐड, कंप्यूटर जो भी करेगा वो प्रोसेस, उसके बाद उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पर, उसने डिस्प्ले कर दिया आउटपुट, स्टॉप, समझ आया ये, ठीक है। तो इसी तरह से अभी इसको एक और देखते हैं, स्टार्ट पांच नंबर को ऑन करना है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, एक एक करके पांचों नंबर एक्सेप्ट करा है इनपुट ऊपर, देन प्रोसेस हुआ पांच नंबर ऐड, आउटपुट आउटपुट स्टॉप, आउटपुट सब डिस्प्ले किया उसने, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। अब देखो वीबीए वैसे सुजीत सर सिखाएंगे, पर मैं आपको इससे कनेक्ट बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो वीबीए में जाके हमें इंसर्ट करके मॉड्यूल इंसर्ट करना, सारे मैक्रो और फंक्शन हमारे मॉड्यूल पे ही करते हैं, ठीक है। अब कोई भी प्रोग्राम पहले स्टार्ट करना होता है, अभी तक मैंने आपके दिमाग में क्या फीडिंग दी है, स्टेप्स की, सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है अगर आप मैक्रो बना रहे हैं तो सब से होगी, सब फिर प्रोसीजर का नाम ए बी सी, ठीक है, ये इसका नाम रख दिया। जब इसको एंटर करता हूं तो एंड सब अपने आप आ गया, कुछ चीजें अपने आप ही करता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया स्टार्ट, ये मिल गया एंड। अब कोडिंग आपको करनी है कहां, बीच में, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप आ चुका है, इसी प्रोग्राम को बनाते हैं जो डिस्प्ले ऐड टू नंबर्स वाला था, गेट द फर्स्ट नंबर। अब इसमें वेरिएबल का भी एंट्रो दूंगा, पर अभी आपको प्रोग्राम दिखाने के लिए मैं अपने आप से डालूंगा, ठीक है। आई इन शॉर्ट समझ लीजिए कि मैंने दो वैल्यूज को क्या किया, आई जे को कह दिया, मैंने आई बनाया और जे बनाया, दो वैल्यू बनाई जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करेगा। अब बात आ रही है इनपुट की, ये स्टेप अभी आने वाला है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दो नंबर का ऐड का कैसे बनेगा। इसके अलावा मुझे क्या रखना पड़ेगा कि एक और न्यूमेरिक वैल्यू रखनी पड़ेगी जो आउटपुट स्टोर करेगी, अभी स्टोर है क्योंकि यहाँ हमारे पास सेल तो नहीं है कोई, है ना, अभी हम उन रेंजेस को वगैरह को ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर रहे, अभी प्रोग्रामिंग पे ही पूरे डिपेंडेंट है। तो पहले आई में यूजर से इनपुट करवाना है, आई के अंदर जो आएगा वो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट बॉक्स से ले रहा हूँ, ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्रोसीजर ये धीरे धीरे आएंगे आपको, अभी ये क्या कर रहा है मैं। तो इनपुट बॉक्स एक टूल होता है
अगर मैं कहूँ इनबॉक्स क्या चीज है, व्यू इमीडिएट, इमीडिएट विंडो में कोई भी कोड डालोगे इमीडिएट रन होता है, बस आपको एंटर करके। तो ये जो है आपका ये इनपुट बॉक्स कहता है, जो मैंने मैसेज टाइप किया था वो यहाँ है, यूजर कहाँ एंट्री करेगा यहाँ पे, ठीक है ठीक है, वो इनपुट बॉक्स था। अब उसमें जो मैंने वैल्यू एंटर की उसको कहीं जाना है, कहीं स्टोर करना है, क्योंकि वो आई और चली गई, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। तो ये इनपुट बॉक्स दोबारा डालो तो उनके हाँ व्यू से जाके इसको ऑफ कर देंगे, कंट्रोल जी से भी आ जाता है, ठीक है। जे में मैंने क्या करना है, दूसरा नंबर स्टोर करना है ना, वापस इनपुट बॉक्स एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है जे। देखिए अभी मैंने क्या किया, दो इनको इनपुट करवाया है, यानी कि हम कौन से स्टेप पे चल रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, ऐड कराना है, ऐड कराने के लिए किस में स्टोर कराना है, रिजल्ट के में, क्या किया आई प्लस जे, ठीक है, यानी आई जे जब स्टोर होगा, ये कैलकुलेशन करेंगे वो के में स्टोर होगा, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। एक चीज नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ले लेता है, ऐसे तो चाहिए होता है पर ये अपने आप ले लेता है, कई चीजें यहाँ ऑटोमेटिक। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले रिजल्ट कराना है, तो डिस्प्ले के लिए जैसे इनपुट बॉक्स वैल्यू ले रहा है, ऐसे दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स है, एमएसजी बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर हम वो डाल सकते हैं। मैंने कहा कि यार के की वैल्यू तुम डिस्प्ले करो, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, मैं एक एक करके चलाता हूँ कि कैसे कैसे होगा। पहले प्रोग्राम चला, स्टार्ट पे आया, उसके बाद इनपुट, पहला इनपुट मांगा इसे, मैंने कहा 10, ओके कर दिया। इस पे आया दूसरा इनपुट 20, ओके। अब क्या हुआ, ये आई जे में ना 10 चला गया, जे में 20 चला गया है, अभी क्या है 0 है, क्योंकि ये लाइन अभी चली नहीं है। आगे ये लाइन चली, के में क्या वैल्यू आ गई, 30 आ गई। अब मैसेज बॉक्स क्या करेगा, आउटपुट फाइनल दिखाएगा, दिखा दिया 30 दिखा दिया, ओके एंड सब पे आ गए, एंड हो गए। तो एफ8 से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, और डायरेक्ट रन कर देते तो पूरा चलता है इकट्ठे, ठीक है। इसमें स्टार्ट कब होगा एंड कब होगा पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। एफएट क्या है, प्रोग्राम ब्रेक करके चलाए कि प्रोग्राम चलता कैसे है। तो आपने देखा इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है जो कि मैंने आपको पेपर पे बताया है ना। ये सेक्शन अभी आगे आएगा कि इसको यूज क्या करते हैं, कैसे करते हैं सब कुछ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 नंबर का करना वो भी ऐसे ही होगा, इनपुट खूब सारे कर लूंगा, प्लस 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 कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड ए स्पेसिफाइड नंबर, मतलब ये क्या करना चाहता है कि कोई यूजर नंबर एंट्री करे और वो 2 से मल्टीप्लाई करा दे। इस केस में क्या कर रहा है, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, नंबर की एंट्री हुई इनपुट से, प्रोसेस क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट दिखाया मैसेज बॉक्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू, स्टॉप। तो प्रोग्राम समझ आ गया कैसे बनता है, और आगे चलते हैं। ये अप्रॉक्स 27 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बट इसके अंदर आपको हर एक प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम चलते कैसे हैं। हाँ, अब उसके बाद, अब जो वो मैंने किया था ना डिम इंटीजर करके, वो उसकी बारी, ये होते क्या है एक्चुअली, इनको कहते हैं वेरिएबल। ये जो होते हैं, जो स्टोरेज पॉइंट हम बनाते हैं उनको कहते हैं वेरिएबल। अभी इसमें 2 तरह के आपको बता रहा है, एक हो गया वेरिएबल, ठीक है, एक हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अगर आप एक नाम ले लेते हो राजू, ठीक है, तो राजू क्या हो गया, कांस्टेंट,
और नेम जो उसकी हेडिंग है वो हो गया वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ले लूं इंस्टीट्यूट और बात करूं आईपीटी, एनआईआईटी, गिट्स, तो ये एनआईआईटी वगैरह क्या होगा, कॉन्स्टेंट, इंस्टीट्यूट क्या हो गया, वेरिएबल, समझ में, इसलिए वेरिएबल हमारा हो गया इंस्टीट्यूट, वेरिएबल इंस्टीट्यूट होगा। जो स्टोरेज कैटेगरी हो जाएगी आपकी, अगर आप यूजर से कुछ डलवाना चाहते हो, उसकी एज डलवाना चाहते हो, तो आप एज नाम का वेरिएबल बनाओगे जिसमें यूजर अपनी एज एंटर करेगा, एज के अंदर स्टोरेज हो जाएगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट। अब इसका डिफरेंस बताता हूँ, एज जो स्टोरेज पॉइंट बनाया वो हो गया वेरिएबल, और दूसरा अभी एग्जांपल था ना मल्टीप्लाइड बाय टू, कुछ भी और टू से ही मल्टीप्लाई करना, तो टू हो गया कांस्टेंट। मतलब कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वेरिएबल फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको हटा के और इसको ये कर देता हूँ कि ये जो होता है मल्टीप्लाइड बाय टू हो जाए, तो ये एंट्री को कहेंगे कांस्टेंट, क्योंकि चेंज नहीं होगा। इसके अंदर एंट्री स्टोरेज चेंज होती रहती है, पर टू के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते, वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट स्टोर कर सकते। कांस्टेंट बेसिकली उस वैल्यू के लिए नहीं है जो यूजर दे रहा है, उस वैल्यू के लिए जो हम दे रहे हैं, इधर ये फिक्स रहेगी, इसको कांस्टेंट कहते हैं। और जब हम एज, नेम, सिटी, एड्रेस, इस तरह की फील्ड्स को यूज करते हैं या इस तरह के स्टोरेज पॉइंट बनाते हैं, उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंदर खूब सारी वैल्यूज आ सकती है। कांस्टेंट मतलब जब उन्होंने फिक्स कर दिया किसी चीज को, हाँ, जैसे 2 दे दिया कि मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो इसी तरह से बेसिकली जो कांस्टेंट हमारा जो कुछ का पार्ट है, हां अच्छा, अब इसमें बताओ कि क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है। एक वेरिएबल है, एड्रेस वेरिएबल है, 21 कांस्टेंट है, हां, और ये 10 टू एवरी टाइम टू द वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्या कॉन्स्टेंट है, क्या वेरिएबल है, समझ गए, है ना। अब इसको देखो कि अब जो मैंने किया था तो उसमें मेमोरी में स्टोर कर दिया था, वो भी एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अब इसमें वेरिएबल की दो कैटेगरी कर दी, एक हो गया कैरेक्टर, एक हो गया न्यूमेरिक। कैरेक्टर कौन से होगा, कैरेक्टर ये राम हुआ, नेम, एड्रेस, नेम, एड्रेस, जो भी अल्फाबेटिक जाता है, हाँ, जिनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, है ना। और प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, ये कौन से, ये न्यूमेरिक, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है। वेरिएबल पे ही आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट पे नहीं। वेरिएबल के दो पार्ट कर दिए हमने कि एक कैरेक्टर वाला वेरिएबल हो जाएगा और एक न्यूमेरिक वाला हो जाएगा। कैरेक्टर जहां में कोई कैलकुलेशन नहीं करा है, न्यूमेरिक में कैलकुलेशन, जहां में कैलकुलेशन करा है, ठीक है, वेरिएबल के अंदर चल गया। क्योंकि कई चीजें होंगी जिसको हमें मल्टीप्लाइड बाय टू दिखाना, पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो अपना नाम डाले साइट पर नहीं आ जाता, हाय राजू, यू आर वेलकम ऑन दिस साइट, तो वो क्या होगा, उससे कैलकुलेशन तो कुछ करा नहीं, डिस्प्ले ही कराना है, और स्टोर तो उसको भी करना है ना, नेम, एड्रेस वगैरह स्टोर तो उसको भी करना है। तो जो स्टोरेज के लिए यूज होगा वो आपका हो जाएगा करेक्टर वेरिएबल, और दूसरा हो गया न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है। अब इसने क्या किया है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन आइटम, ये प्रोग्राम किस चीज का है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, यू नीड टू कैलकुलेट वैल्यू एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी एंड डिस्प्ले कैलकुलेटेड वैल्यू and the item name using variable solution, ठीक है। अब हमें वेरिएबल यूज करना है, तो हमें पहले वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे कि हम क्या क्या उसमें लेने वाले हैं। प्रोग्राम तो तभी चलेगा ना, उसको पहले से देखें। तो हमने क्या कि कैरेक्टर में क्या ले ले, सी आइटम में, सी क्यों लगाया, ताकि पहचानने के लिए कि मैंने एक बार इंटीजर में डिफाइन कर दिया था उसे, और मुझे क्या पता वो कैरेक्टर है कि न्यूमेरिक है, तो उसके लिए प्रीफिक्स लगा दिया, जैसे कैरेक्टर का था ना, तो हमने सी ले लिया, और न्यूमेरिक का है तो उसके आगे एन ले लिया,
ये इनके नाम डिफाइन करने की मतलब जो कॉर्पोरेट में चलता है वो इस तरह से, ताकि अगर आपके अलावा कोई नया प्रोग्रामर भी आ जाए तो उसको समझ सके कि ये चीज ये वेरिएबल हुआ किसकी वजह से, है ना। क्योंकि तो कई लोग नाम बड़ा गड़बड़ रख देते हैं, अब आइटम नेम प्राइस वगैरह ये तो कॉमन है, कोई लिख देंगे एक्स वाई जेड, जैसे मैंने यूज कर दिया आई के, उनको क्या पता क्या होने वाला, तो उस तरह की प्रैक्टिस करना बेकार है। वो करें जो सबकी समझ में है। मेरे को क्या करना था वहां पे, एन फर्स्ट वैल्यू, एन सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कैरेक्टर सी आइटम ने और न्यूमेरिक एन प्राइस एन क्वांटिटी एन वैल्यू, तीन इन्होंने न्यूमेरिक के वेरिएबल ले लिए, एक कैरेक्टर का ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट आइटम नेम, नेम की एंट्री हुई, आइटम की एंट्री हुई, प्राइस की एंट्री हुई, क्वांटिटी की एंट्री हुई। जब प्राइस क्वांटिटी उसने दे दिया है, इनपुट दे दिया, तो उसकी वैल्यू निकालना कि उसको कितना पे करना है वो तो हमारे हाथ में, कंप्यूटर कर सकता है। तो प्रोसेस में डाल दिया कि एन वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू होगा एन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एन क्वांटिटी, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो वही एन वैल्यू है, एन वैल्यू वो उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले सी आइटम नेम एंड एन वैल्यू, उसने आइटम बता दिखाया और उसका टोटल दिखा दिया कि रहे इतने पैसे इस प्रोडक्ट के, इतने पैसे, ठीक है। स्टॉप, ये वाला समझ गए क्या हुआ, अब ये भी समझ गए होंगे कि मैंने ये तीन क्यों लिए थे, है ना। अब इसमें डिफाइन कैसे हुआ है, तो ये डिम आई एस इंटीजर, हर एक का यही तरीका है। इसमें न्यूमेरिक का बताया, अब आपको न्यूमेरिक के लिए इंटीजर और डिम एस टी आर एस, इसमें टेक्स्ट नहीं होता, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। वहां कैरेक्टर था, यहाँ स्ट्रिंग है। इंटीजर न्यूमेरिक के लिए, पर इसकी डेफिनेशन अलग अलग है कि इंटीजर कौन सा इंटीजर, डेसिमल वाला इंटीजर, विदाउट डेसिमल वाला इंटीजर, डेट अलग है इसमें, टेक्स्ट अलग है, तो इस तरह से कैटेगरी और डिवाइड है। अभी मैंने दो कैटेगरी बताई है, इसी तरह से कैटेगरियां बटी हुई, कई जगह इंटीजर की जगह लॉन्ग भी आता है, उसकी रेंज ज्यादा होती है, उसमें मतलब इसकी 32,000 कुछ होती है, उसकी इसके मल्टीप्लायर में अभी उसको मैं आपको दिखाऊंगा, वो जब सुजीत सर डाटा वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे ना, पेज है उसको पढ़ो। अगर इन जनरल अगर पूछ रहे हो, तो जब मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है एक्सेल के साथ, मैं इंटीजर कभी नहीं लूंगा। इंटीजर कब लेता हूं मैं, जब मुझे छोटे मोटे काम कराने होते हैं, जैसे 100, 200, 300, 1000 तक, पर जब मुझे बड़े काम कराने हैं तो मैं या तो लॉन्ग लूंगा या डबल यूज करूंगा। डबल यूज करूंगा डेसिमल के लिए, लॉन्ग यूज करूंगा न्यूमेरिक वैल्यूज के। डेसिमल वैल्यू जैसे प्राइस वगैरह आता है ना, तो इतने ऐसे पैसे, इंटीजर क्या करेगा, आप डेसिमल दोगे पर रखेगा आगे वाले डेसिमल से। अगर मैं कैलकुलेटर इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा है कि इन हर एक का ना एक मेमोरी वो होता है, मेमोरी की तरह होता है, तो प्रोग्राम जितना हल्का हो उतना अच्छा है। तो जैसे एक 2 बाइट कैरी कर रहा है, एक 8 बाइट कैरी कर रहा है, जहाँ 2 बाइट में काम हो सकता है मैं वो यूज करूंगा, 8 बाइट वाले को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम हैवी होता है। हाँ, इंटीजर कम यूज करता है, लॉन्ग उससे ज्यादा, डबल उससे ज्यादा। तो मैं स्मार्टली इसको यूज करूंगा, तो मुझे यूज आखिर में उसका यूजेज कितना है मुझे ही पता होगा ना क्या यूजेज, तो मैं डिफाइन करूंगा। अब जैसे इंट के बारे में बता रहा था, तो इंट का आपके पास फंक्शन भी है, ठीक है, एक्सेल के अंदर फंक्शन है। इंट में जब भी कोई नंबर देते हो तो क्या कर देता है, वो डेसिमल हटा देता है, वो राउंड अप कर देता है। हाँ, पॉजिटिव वैल्यूज को इंटीजर कर देते हैं। 20.56 है, तो 21 नहीं होगा, राउंड नहीं करता है। अब ये देखो 95 कर दो, मतलब ऑलरेडी डेसिमल हटा देता है, और डेसिमल कितना रखा हो तो मतलब नहीं है। इंटीजर की कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो कोई चीज रख ले डेसिमल के बाद, वो खाली डेसिमल से पहले वाली पोजीशन रखेगा, यहाँ मुझे 2 और 3 ऐसे ही ऐड कराने थे इसलिए मैंने इंटीजर किया। अगर मुझे इसी की जगह डेसिमल वाले कराने होते, या मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि बंदा डेसिमल भी डाल सकता है,
तो मैं डबल यूज करूंगा इसकी जगह, डबल डेसिमल में आ गया लॉन्ग। हाँ लॉन्ग इसी की रेंज ज्यादा होती है, इसकी 32,000 समथिंग होती है, उसकी लाखों तक जाती है, 6 लाख समथिंग डेसिमल में। डेसिमल में नहीं, लॉन्ग और इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज विदाउट डेसिमल, डबल अकेला है डेसिमल संभालने के लिए कितनी वैल्यू देगा। ठीक है, खैर अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो पार्ट आगे आने वाला है, अभी प्रोग्रामिंग पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे के प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से बनेंगे, इसी में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि है क्या ये। अब देखो, फाइंड आउट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अब 5 से डिवाइड है कि नहीं ये फाइंड करना है। आउटपुट आपके पास 2 आ रहे हैं, ऐसे हो भी सकता है नहीं हो सकता है, क्या यूज किया इन्होंने। अब देखो, स्टार्ट किया न्यूमेरिक एन नंबर, एक ही नंबर है उसी को चेक करना है, एक्सेप्ट एन नंबर, उस नंबर को एक्सेप्ट किया यूजर से, देन इफ एन नंबर, इसको साइन को क्या बोलते हैं, इसको मॉड्यूलो, मॉड्यूलो है ना, ये जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद उसको कैरी करता है। तो अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है भाग करने के बाद, शेषफल नहीं बच रहा है, तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसके 2 फ्लो बने। देखिए अब लाइन यहाँ से वो हो गई, अगर यस होता होता यानी ट्रू फॉल्स आता है ना, अगर ट्रू होता तो ये इस केस में चलता, इस फ्लो में चला कि डिस्प्ले डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज ये इस तरह से चला, मतलब यहाँ से चल के यहाँ पे एंड हो गया, स्टॉप पे मिल गया, और नहीं होता तो दिखा देता है नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और डिसीजन कैसे देते हैं इसमें, जैसे मॉड्यूलो कहता है कि हमारा जो रिमाइंडर बचता है इसको, हाँ मॉड्यूलो अपना का मैम इवेंट के बाद में बता दें कि रिमाइंडर बचता है। देखो देखो देखो, 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है, पहला नंबर और देन डिविजन। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3 से करता, ठीक है, अगर 5 से करता तो 0। ठीक है, तो इसमें कंडीशन किस तरह से आई आपने देख ली, एक इफ केस आया, इफ में वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, इसमें कहते हैं उसको इफ एल्स। इस इफ के फॉर्मूला को कैसे इलेबोरेट करता है आपको एक प्रोग्राम के जरिए क्लियर कर देता है। अब यहां से हमने एक नंबर एंटर किया था, ठीक है, अब कंडीशन लगी कि वो मॉड्यूलो बाय 5 है कि नहीं। ठीक है, बाकी सब हटा देते हैं, पहले डिक्लेरेशन हो गए, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इस पार्ट को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरा, हम नंबर इनपुट कराया, अब मेरे को पता करना है अगला स्टेप, इज एन नंबर इज मॉड्यूलो बाय 5, 0 उसके है, प्रोसेस नहीं है अभी, प्रोसेस आएगी, यहाँ खाली डिसीजन आ गया है ना, डिसीजन भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है, वैल्यू चेक की उसने प्रोसेस दे दिया। हाँ, डिसीजन ने क्या किया, कंडीशन चेक किया, डिसीजन बॉक्स मतलब जब हमारे यहाँ पे किसी पॉइंट पे कर तो प्रोसेस ही रहे हैं, डिसीजन जो है प्रोसेस का ही पार्ट है, पर स्पेसिफिकली डिसीजन इसके लिए ना, डिसीजन तो ये प्रोसेस के थ्रू कैंसिल करके नहीं नहीं वो बताएगा, पर प्रोग्रामिंग पार्ट में उसको कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट में डिसीजन को सेपरेट रखा गया है, जबकि उसका प्रोसीजर डिफरेंट है ना। आपके केस में वो कैलकुलेशन का पार्ट है, प्रोग्रामिंग के केस में डिसीजन अलग से एक पार्ट है। ठीक है, मतलब आपके केस में वो प्रोसेस का पार्ट है, इसमें डिसीजन अपने आप में है, जहाँ कंडीशन 2 रिजल्ट निकल रहे हैं वहां कंडीशन आ गया, बस वो इतना समझता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। उसके बाद कंडीशन के बाद यस या नो आने के बाद आपने अगर कोई प्रोसेस कराना है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दो ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का, तो पूछेगा डू यू वांट टू ऐड और अदरवाइज मल्टीप्लाई, प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लाई, वो जैसे फोन में नहीं आता 1 फॉर इसके लिए 2 इसके लिए दबाया,
तो वहां से डिसीजन आया इसको, तो पहला दबाया आपने तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा दबाया आपने तो क्या करना है, प्लस कर दिया, इस तरह से ऐसे सेपरेट होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब ये कंडीशन आ गई, इसमें कंडीशन कैसे बनेगी, इफ, इफ का वैसे ही जैसे फॉर्मूला लगता है, इफ लिख दिया हमने, पर इसका जो पार्ट है वो ये है, इसके बाद हमेशा कंडीशन आएगी कि आपका आई मॉड बाय फाइव इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अगर मॉड का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है इधर, तो मैं ऐसा करता हूं कि क्या वो दोनों मिला के पांच है, मतलब कि नंबर तो अगर तीन में प्लस करें तो पांच आ रहा है, वन प्लस टू इक्वल टू आई प्लस टू इक्वल टू फाइव और नॉट, ये कंडीशन बना। ठीक है, मतलब पहले क्या किया, इसने इन दोनों को प्लस किया, फिर ये चेक किया कि पांच के बराबर है कि नहीं है, कंडीशन बन गई। देन कंडीशन के बाद देन लगता है हमेशा, और इसको खत्म करने के लिए एंड इफ आता। अभी जो यहां बीच में कोडिंग होगी तो ये होगी कि जैसे मैसेज बॉक्स ही दे देता हूं मैं इसको ये दे देता हूं इट इज फाइव। ठीक है, ये हो गए, पर अगले पार्ट के लिए कहां कहां देंगे, अगर नहीं हुआ तो, और हाँ अगर नहीं हुआ तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इतने से आपका कंडीशन चलेगी, ये ट्रू वाला पार्ट हो गया, वैल्यू फॉर हुआ। अगर फॉल्स आप डालना चाहो ऑप्शनल है तो डाल सकते हो, उसके लिए क्या करेगा, इसके बाद ना आपकी ये प्रोग्रामिंग के बाद एक बीच में एल्स लगा दो, अब इसके दो सेक्शन डिवाइड हो गए, एक ऊपर प्रोग्रामिंग का हो गया, एक होगा पार्ट एल्स के बाद वाला। ठीक है, और यहां पे जो मैं दूंगा ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल इसमें एल्स कंडीशन नहीं देता तो फाइव से डिवाइड इक्वल टू फाइव तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वो आगे बढ़ जाता, ऐसा है वो इसके अंदर ही नहीं आता, वो डायरेक्ट एंड इफ से एंड इफ सब पे पहुंच जाता, प्रोग्राम ही खत्म हो जाता, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो पानी हो जाएगा। अब ये देखो नहीं होता, ठीक है अब नहीं है, प्रोग्राम कैसे चला, डिक्लेरेशन के बाद पहला नंबर मांगा, मैंने कहा वहां पे कितना मैंने कर रखा है, पांच का फाइव कर रखा, फाइव ही कर रखा है तो जीरो ही कर देता हूँ, चलो नहीं दो कर रखा है ना, तो जीरो किया, जीरो में दो प्लस होगा कितना आएगा, दो ही आएगा, तो पांच नहीं हुआ ना, एफ एट कर रहा हूँ, देखो पाने वाला डायरेक्ट है सब, उसको चलाएगा ही नहीं। और अगर मैं इसको इसमें एल्स लगा देता हूं तो देखना कैसे आता है, अब इसमें अगर मैं कर देता हूं तो ये देखो एल्स पे उतरा ना, और एल्स के अंदर चला गया चलाने, इसके अंदर भी था तो कंडीशन ट्रू होगी तभी जाएगा वहां, मैसेज आ गया एंड इफ एंड सर, प्रोसीजर समझ में आया कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन जो है ये मैंने प्लस के थ्रू बनाई थी, मॉड के थ्रू बना सकता हूँ, मॉड का एक कीवर्ड है इसका, जैसे प्लस माइनस लगाते हैं ना डिवाइड, हाँ तो ये मॉड का कीवर्ड है, डिवाइड के लिए तो स्लैश यूज होता है ना, पांच डिवाइड बाय करते हो तो आंसर के लिए हो जाता है इक्वल टू, मॉड रिमाइंडर देगा, अगर मैं यहाँ मॉड इसकी जगह स्लैश कर दूं और यहाँ नॉट इक्वल टू मैं जीरो कर दूं तो काम नहीं करेगा, मेरे तो भी करेगा, क्योंकि चक्कर क्या है, अगर पांच पांच से डिवाइड होगा तो वन आएगा, पांच एक पे डिवाइड हो रहा है
तो वो एक मैटर करता है यहाँ पे, हम कह रहे हैं बच कितना रहा है नीचे, इसलिए मॉड लगा। अगर यहाँ पर एक आएगा तो यूनिट कंजूम हो जाएगी। हाँ जैसे पांच दूनी दस होता है ना, तो दो कहाँ चला गया, वो स्लैश से निकल के यहाँ आ रहा है चक्कर में, पर मॉड के केस में जो बचा हुआ है वो आ रहा है। वो आ रहा है, ठीक है। मतलब आप ये करके सेशन भी दिखाएगा। हाँ शेषफल, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो शेषफल होगा, शेषफल कितना। हाँ ये अगर इतना पार्ट कैलकुलेट होता है तो इसके सामने वो वैल्यू आ जाएगी, जैसे पांच से तो जीरो ही आएगी, रिमाइंडर गेट करके लाएगा। इसको नॉर्मल मैथमेटिकल कंडीशन से मत जोड़ो, ये अलग ये कंडीशन है, खाली कंडीशन। उसमें क्या होता है कि अगर हम करते हैं कि ये इक्वल टू ये, तो हमने कह दिया ना रिजल्ट इतना ही है, पर ये तो शक करेगा, पहले कैलकुलेट करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, यहाँ एक फिगर जनरेट करेगा, देन अगर ये दोनों फिगर सेम हुई तो आगे बढ़ेगा, तो ट्रू में बढ़ जाएगा यहाँ, अदरवाइज फॉल्स में बढ़ जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसकी जगह ग्रेटर देन लेस देन सब लगता है, ऐसे ही लगता है ना। तो इसका जो है एक बार और देख लेते हैं, जैसे 10 डिवाइडेड बाय है कि नहीं, इट्स 5, ठीक है, मतलब डिवाइड है तब वो डिवाइड हो रहा कि नहीं रहा है, वो 11 दे दो, ठीक है, समझे ये कैसे चल रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कर लीजिए। मुझे इसमें ये है कि आपने मुझे सेल्स को भी दिखा दो, तो वो दिखा ना रहा है, सेल्स को भी दिखा रहा है, मतलब वो फॉल्स का मैसेज बोल दे रहा है। हाँ हाँ ये देखो यहाँ पे कंडीशन कैसे लगी हुई है, जो मैंने एक्सप्लेन किया एन नंबर मॉड्यूलो बाय 5, वहां पे ये साइन नहीं चलता, मॉड चलता है, ठीक है। अब वो तो कैलकुलेट हुआ इतना जी, वहां पे जीरो आएगा या रिमाइंडर आएगा, अगर वो इक्वल टू हुआ इसके तो यस करेगा, और नहीं हुआ तो नो करेगा, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2+2=4, और मैं यहाँ लिख दूँ 4, ठीक है, तो अगर 2+2=4 आता है तो यहाँ पहले 4 जनरेट होगा और देखेगा बगल में 4 ही है, इक्वल टू क्या करता है, जब दोनों बराबर हो तो वो करता है, जैसे इसका फॉर्मूला लगाता है, तो बराबर होंगे तो ट्रू में जाएगा, अदरवाइज फॉल्स में जाएगा। अब देखो, अब थोड़ा सा और बोलते हैं इसको, डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, अब 3 नंबर में बड़ा कौन, ठीक है, स्टार्ट हुआ, पहले इसने क्या किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एन लार्जेस्ट करके 4 वेरिएबल बना लिए, ठीक है, उसके बाद तीनों नंबर एक्सेप्ट किए। अब देखो प्रोसेस कैसे स्टेप पे थोड़ा कि कौन सा बड़ा होगा, सबसे बड़ी बात कि हम तीन वैल्यू को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि इसके फॉर्मूले में होता है, अगर आपको पता है तो वह, अगर आपका नेस्टेड इफ का फॉर्म 3 से ज्यादा होता है तो नेस्टेड इफ लगाना पड़ता है ना, इफ पहले दो नंबर चेक करो ये इससे बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा है तो दूसरा लगा देंगे कि लास्ट वाले से बड़ा है कि नहीं, और नहीं बड़ा है तो दूसरे वाले को चेक करेंगे कि ये बड़ा है कि नहीं, वो फॉल्स में चले, तो उसी तरह से ये भी चलो। इफ की क्लैरिटी है ना, नेस्टेड इफ कैसे लगते हैं, मैं इसीलिए कह रहा था कि आपके जो एक्सेल के कॉन्सेप्ट है ना, बीपीए पढ़ने से पहले बहुत सुपीरियर क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इसमें फंसे रहोगे, ठीक है। अब एक्सेप्ट, तीन नंबर एक्सेप्ट किए, अब देखो प्रोसीजर क्या किया, डिसीजन लिया, क्या नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 बड़ा हो तो क्या करेगा, बड़ा हो तो बड़े वाले को एन लार्जेस्ट में सेव कर देगा, ये सेव करना है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन डिसीजन बॉक्स के अंदर आती है, ठीक है। दूसरा ये स्टोरिंग के लिए यूज हो रहा है, तो एन लार्जेस्ट में फर्स्ट नंबर आ गया, अगर नहीं होता तो क्या होता, नंबर 2 ही बड़ा होता ना, तो एन लार्जेस्ट में नंबर 2, अल्टीमेटली जब ये इससे आगे बढ़ रहा है तो एन लार्जेस्ट में दो नंबर से बड़ी ही वैल्यू है, चाहे वो नंबर 1 हो चाहे नंबर 2, है ना, समझे, यहां तक आया।
आगे बढ़ गए। अब इसने चेक किया कि नंबर तीन बचा ना, कि नंबर तीन बड़ा है एन लार्जेस्ट से, तो अगर नंबर तीन बड़ा है तो नंबर तीन दिखा देगा, नहीं है तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, दिखा दिया एन दो। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे चला? बना के दिखाओ ये कैसे बनेगा। तीन नंबर पहले सॉल्व होते हैं, आई जे ए, आई जे या फिर बाहर में नहीं कर रहे सब रिकॉर्ड हो। हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे नहीं कोई नहीं, इसको जाके ना वापस देख लेना, मतलब मैं YouTube पे दे दूंगा। मेल आईडी पे जाएगा ऐसा ही YouTube पे पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, वहां से वीडियो पे YouTube डाउनलोड से डाउनलोड कर लेना। अच्छा ऐसे तो सारी डाउनलोड करवा दो। नहीं ये क्या है, ऑनलाइन क्लास लोगे तब भी तो रिकॉर्डिंग करोगे ना, वो रिकॉर्डिंग मतलब YouTube पे आएगी, उसको तो डाउनलोड करके अपने पास रखोगे, नहीं करना चाहते वही देख लो। तो ये एक मिनट नाम से कुछ पता चले, मैं लिंक भेजूंगा क्लिक करना, तब ऐसे सर्चिंग वाला लिंक आई जे के फर्स्ट सेकंड। अब आप इसका स्टेप मुझे आप लोग बताओगे कि मैं कैसे करूं, डिक्लेरेशन और थर्ड मैंने कर दिया क्योंकि ठीक है तीनों में स्टोर करवा दिया। अब मुझे बताओ कंडीशन कैसे लगा रहे, आप खाली सोचो कि कैसे बनेगा, जैसे अभी हमने किया था रिकॉल करो, ये देखो इसको देखो और समझ रहे। तीन नंबर अभी एक्सेप्ट किए हमने, अगला प्रोसीजर क्या है? हाँ क्या लगा रहे हैं, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर, तो दो नंबर को तो आई जे पहले वो नंबर, हाँ इससे पहले एक और ले लेता हूँ क्योंकि इंटीजर का एक डिम एन लार्जेस्ट करके ले लेता हूँ। ठीक है ठीक है, उसी मेथड पे चलते हैं। तो आई जे के तीन नंबर हो गए, एन लार्जेस्ट मैंने अलग से अपने पास रख लिया। अब इफ का फॉर्मूला आया कि आई ग्रेटर देन ये हो गई कंडीशन, देन एंड इफ होता है। ठीक है, तो इसमें यस नो दोनों में चला था, एक एल्स भी चाहिए। अगर है तो इसने क्या किया था, पिछली वाली वैल्यू चेक की इसने। हाँ तो मेरी जैसे, हाँ इसने क्या किया था, एन लार्जेस्ट में करवाया, एन लार्जेस्ट में उठा के अगर पहली वाली बड़ी है तो आई दे दिया, अदरवाइज क्या दिया, अदरवाइज जे दे दे, अदरवाइज जे दे देगा। ठीक है, अल्टीमेटली एन लार्जेस्ट में हम ये स्टेप फॉलो कर गए पूरा, बड़ी वैल्यू आई यहां पहुंचते हैं, क्या होगा एक और इफ लगेगा है ना। मैं क्या करूंगा, आई जे चेक कर चुके थे हम, के अगर के बड़ा है किससे, एन लार्जेस्ट से। ठीक है, एन लार्जेस्ट हमारा ये हो गया ना। हाँ तो अगर के बड़ा है एन लार्जेस्ट से तो मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले करा दिया, के के बड़ा है तो डिस्प्ले कराया, और नहीं तो मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले कराऊंगा, एन लार्जेस्ट। एन लार्जेस्ट आई है कुछ भी है, एन लार्जेस्ट के पास अपनी वैल्यू जा चुकी है ना, ये देखो पिछले मैंने क्या किया, एन लार्जेस्ट में आई या जे सेव कराया, किस कंडीशन के बेस पे, इस कंडीशन के बेस पे, अगर आई ग्रेटर देन जे हो तो आई हो जाए एल्स जे हो। ठीक है, उसके बाद मैंने
जो तीसरी वैल्यू थी ए और एन लार्जेस्ट में कंपेरिजन करा दिया, इन दोनों से तो निकल के आना है, जो बड़ा होगा वही तो आएगा, फिर एन लार्जेस्ट चेक कर लिया, अगर के बड़ा है तो ये दोनों बड़ी वैल्यू भी वो एन लार्जेस्ट में जाके सेव हो जाएगी, फिर जो भी एन लार्जेस्ट फाइनल होगा फिर उससे कंपेयर करेगा नेक्स्ट वैल्यू, हां ये लास्ट वाला भी हम चलेंगे अब उसको रिजल्ट दे दिया। क्लियर हो गया ये समझ आ गया, चला के दिखाऊंगा और ये देखो पहला नंबर मांगा मैंने 21 दिया, दूसरा नंबर मांगा अच्छा 21, दूसरा नंबर मांगा मैंने दे दिया 5, ठीक है, तीसरा नंबर मांगा मैंने दे दिया 50, ठीक है, या कोई और दे दे 15 दे देता, अब दूसरी वाली वैल्यू बड़ी नहीं पहली वाली है, पहली वाली बढ़ेगी, अब देखो कैसे चलता है प्रोग्राम, यह आया तो पहली वाली पे क्या है 21 है, जे 5 और ये 15, 21 5 15 तो 21 और 5 में कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा बड़ा है 21 आई वाला बड़ा है, तो ये कहां उतरा यहां पर, यानी कि फिर एंडिंग पे आ गया सीधे ही भागा है, इन लार्जेस्ट में 21 आ गया, ठीक है, अभी ये में जवाब है वो हमारा हां जावा स्टोर नहीं किया करेंगे एल्स एल्स तो भाग जाएगा वहां से, जाएगा ही उस तरफ एफ8 किया आगे, अब यहां कंपैरिजन हो रही है कि एन लार्जेस्ट में क्या 21 आ चुका है, के के पास 15 है, तो कहां जाएगा ये एन लार्जेस्ट वाले में जाएगा, एन लार्जेस्ट में एल्स में चला आया क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं थी, ये दिखाया मैसेज दिखा दिया ये बड़ा है, समझ गए कैसे होता है ऐसे प्रोग्राम चलता। अब देखो आप लोग जो रिकॉर्ड मैक्रो वगैरह करते हो ना उसमें ये ट्रिक्स नहीं आती कि डिसीजन कैसे लेना है आपको, है ना, सेव कर दीजिए ये डिटेल तो बताएंगे, ये बताऊं मेरी वाली क्लास है ये आपको सुजी सर ये नहीं देंगे उनका मेथड है, पर मेरे हिसाब से मैं इसको सबसे जरूरी मानता हूँ, बंदे को ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट की कर क्या रहे हैं, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो ताकि आपका माइंड जो है प्रोग्रामेटिक हो जाए कि हाँ हमारे पास यही ऑप्शन है, इससे बाहर नहीं सोचना है, क्योंकि तो जिसको इसका फॉर्मूला पहली बार बताओगे ना आप कंडीशन कि दो दो में ही कंपेयर हो सकता है, वो तीन में चार में सब में कर करके सारी एक फॉर्मूला में करने की कोशिश करता है एक साथ, तो गलती करते हैं, मेरा लॉजिक यही चला था कि आपने दो बार एंडिंग लगाया, हाँ वो इसीलिए क्योंकि वो सिंगल दो में ही कंपैरिजन कर सकता है और कर ही नहीं सकता, अब इस पे इसके फॉर्मूला में अगर मैं लगाने चलो और कंपैरिजन दो बार ही क्यों चलता है, पहली चीज है, पहली चीज जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं कोई भी चीज तो दो में ही होता है, ठीक है ट्रू फॉल्स आ रहा है, पर कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी एक वो लगा देंगे ये ऐसे, ये रिजल्ट तो दिखाएगा पर गलत दिखाएगा, क्यों दिखाएगा इसका रीजन बताओ कि गलत क्यों दिखाएगा, दिखाता हूँ वॉल्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वैसे तो अपने हम क्या दे देते हैं लास्ट में जीरो जीरो पर, हाँ वन टू के लिए यूज होता है जीरो, फॉर्मूला में एक बार इवैल्यूएट फॉर्मूला करके दिखाता हूँ कि वो क्या है, अब इसने कैलकुलेट किया स्टेप बाय स्टेप, इधर 10 आया इधर 20 आया, तो पहले स्टेप में इसने कैलकुलेट किया इवैल्यूएट फॉल्स आया, फॉल्स की वैल्यू क्या हुई, ये हम किस तरह चेक कर रहे हैं जीरो, ठीक है फॉल्स की वैल्यू हुई जीरो, तो जीरो 10 के बराबर तो हो ही नहीं सकता या 10 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा आंसर गड़बड़ आएगा, ये एक ट्रूफॉल्स की तरह चेक किया मैंने, ये इवैल्यूएट फार्मूला में इवैल्यूएट फार्मूला होता है ना, ये एक्सेल के समय 13 में कौन सा है 13 है सब में ऑप्शन होता है, ये 2003 में भी है ऑप्शन, ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम फ्लो है, इसीलिए हम खाली दो ही कंडीशन रखते हैं, तीसरी नहीं ऑपरेटर घुसाते उसमें, ठीक है, क्योंकि वो इतना एक्सेल इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोगों को ज्यादा मेथड आते हैं, एक इफ द एज इज नेगेटिव
अब एज की बात आती है, किसी की एज अब जब हम फॉर्म पे करवा रहे हैं वो होता है ना केवल बालिगों के लिए, अब कोई नए वो माइनर एज का घुस रहा है उसमें कैसे रोकेंगे, या सॉफ्ट किसी साइट में एंटर करना है तो कैसे रोकेंगे, वो ये प्रोग्राम है। देखो स्टार एक न्यूमेरिक एन एज का इसने ये लिया, ठीक है, एक्सेप्ट एन एज एंटर कराई। अब ये पहला क्या चेक कर रहा है, कहीं जीरो तो नहीं है, कई तो बंदे क्या होता है ना डेट डालना भूल गए या जीरो ही रहने दिया, जीरो तो नहीं है, अगर है तो ये मैसेज दिखा देगा भैया एज जीरो नहीं हो सकती, कई जगह वैलिडेशन लगा होता है ना, अगर नहीं है जीरो के बराबर नहीं है तो क्या चेक करेगा एज जीरो से बड़ी है, ठीक है। ये देखो जीरो से जब इसने पहला वाला ऑप्शन दिखाया उसके बाद फ्लो कैसा जा रहा है, डायरेक्ट एंड करा दिया, दोबारा चांस दे दिया। अब ये नो पे आया कि इफ एज ग्रेटर देन एन जीरो, अगर है तो जीरो से बड़ी है तो एज दिखा दे, और नहीं है एज के नॉट बी नेगेटिव, कि मतलब आप माइनस में एज जो है वो नहीं डाल सकते, लेकिन हमने क्या कंपेयर क्या है ना, वैसे इसने जीरो गलत ही लगाया जो कि जब एक ही कंडीशन ये काम कर दे, ये इसने एक्स्ट्रा मैसेज वैसे ही दिखा दिया कि अगर एज ग्रेटर देन जीरो है उसका मतलब है तो जीरो से छोटी तो हो ही नहीं सकती ना बड़ी होगी, जीरो से छोटी तो नेगेटिव रहती होगी, इसमें प्रोग्राम ही गलत बना है ना, इसकी जरूरत नहीं है। पर फिर भी क्या पता उसने डिफॉल्ट ही जीरो लगाया हो, यूजर ने डाला ही ना हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो सकता है कि वो वेबसाइट में यूज कर रहा हो और वहां जैसे नंबर आते हैं जैसे डेट के, तो कई बार वो जीरो ही हो, डिफॉल्ट ही जीरो हो, हाँ तो उस केस के लिए कर रखा है कि ये फ्रिक्वेंट एरर करेगा यूजर, तो उसको पहले से मैसेज दे दो कि जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ अब आती है लूप कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे डिसीजन, अब ये लूप क्या होता है इससे समझते हैं। डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर, 10 इवन नंबर मतलब 10 नंबरों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इवन नंबर में भी इनर 2, 4, 6, 8, हाँ ये जो 2 से फुलफिल करेगी वही नंबर, वही वही इवन और क्या फर्क पड़ता है, पर इवन और उनमें से एक प्रोग्राम पढ़ते हुए समझ आ जाएगा, ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन है कि इवन कौन सा हो। वैसे हमारे पास आपको पता होगा एक्सेल में एक फंक्शन है इज इवन इज ऑड है ना, छोड़ो अभी पता पड़ जाएगा। तो हमने क्या लिया, न्यूमेरिक में एन नंबर लिया, एन प्रोडक्ट लिया और एन इवन लिया, तीन कीवर्ड ले दिए इसमें, तीन वेरिएबल। उसके बाद इसने क्या किया, पहले से एक वैल्यू दे दी सबको, एन नंबर में 2, ये ऑटोमेटिक लेगा फर्स्ट मतलब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को, ठीक है, इसमें यूजर से कोई एंट्री नहीं है ऑटोमेटिक, मतलब ये जो एंट्री अब इसने अपने आप से ही दे दिया ना, एन नंबर को 2 दे दिया, एन इवन को 0 दे दिया, एन प्रोडक्ट को 1 दे दिया, इसने अपने आप ही दे दिया। ये क्या करेगा, पहले 10 इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा, पहले 10 मतलब एंट्री किए हुए नहीं, हम चाहते हैं तो एंट्री करवा सकते हैं, पर अभी ये क्या कह रहा है वैसे ही दिखाओ एक प्रोग्राम के जरिए। नीचे आए तो n प्रोडक्ट इक्वल टू n नंबर मल्टीप्लाइड बाय n प्रोडक्ट, अब ये प्रोग्राम करना क्या चाहता है पहले मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो यही लाइन कंफ्यूज कर जाएगी। ये क्या कर रहा है, लास्ट में ये चेक कर रहा है कि n a1 ग्रेटर देन 10 मतलब लेस देन 10 है, हाँ, कि जब तक n a1 10 पे नहीं पहुंच जाता है तब तक इसका फ्लो उठा के इसी स्टेप पे वापस, देख रहे हो कैसे चल रहा है, इसमें रिवर्स में आ गया, वापस आ गया, मतलब जब तक नहीं होता है तो ये लूप में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, ये फॉर्मूला रिपीट करता रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कहते जब तक बेटा काम ना कंप्लीट कर ले तब तक मुझे चाहे नहीं देता, तो वो चक्कर है इसने अब फंसा दिया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला भी इंटेलिजेंटली बनाना पड़ेगा,
तो इसने क्या किया, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया, एन प्रोडक्ट इक्वल टू एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, एन प्रोडक्ट को ही बार बार ये एन नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि जब ये घूम के आएगा तो एन प्रोडक्ट बड़ा होगा, कैसे होगा नीचे पता पड़ेगा, एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस टू, एन नंबर में पहले से क्या वैल्यू थी अगर हम देखें तो दो था, दो था, यानी दो चार छह आठ, इसको ये मल्टीप्लाई करने वाला, तो पहले से दो था तो यहाँ पे आया दो से चार हो गया, हाँ दो से पहले प्रोडक्ट क्या था वन था, वन है ना, दो को मल्टीप्लाई किया वन से तो दो का दो ही रहा, प्रोडक्ट में आ गया दो और, ठीक है, नंबर में अभी तक नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, नंबर दो का दो ही है, तो दो इसमें दो है तो एन नंबर में अब नई वैल्यू आने वाली है, एन नंबर प्लस तो दो का हो गया वो चार, अब वो कहाँ चला गया, एन नंबर, एन नंबर के पास चार है, एन प्रोडक्ट के पास दो है, ठीक है, एन इवन के पास क्या आया, एन इवन में जो पहले से वैल्यू थी जो किसी को थी उसमें प्लस वन, तो एन इवन ने रखा वन अपने पास, अब ये चेक करा रहा है कि जब तक, क्योंकि एन इवन ने अब वन रख लिया है, पहले जीरो था वन रख लिया है, जब भी ये घूम के आएगा तो एन इवन अपने आप को प्लस करेगा, प्लस कर रहा है ना अपने आप को, तो अभी यहाँ पे आया वन, नहीं नहीं एन इवन जीरो था वन हो गया एन इवन, अब इसने चेक किया भी छोटा है उससे, दस से छोटा है ना, यस आया, अब एन प्रोडक्ट में क्या वैल्यू थी पिछली, दो थी, तो दो थी तो अब ये वन, एन नंबर में क्या बदल गई है अब वैल्यू, दो से होके चार, चार हो गई, हाँ चार और दो, चार मल्टीप्लाई हुआ दो से आठ, आठ किस में गया, प्रोडक्ट पे चला गया, उसके बाद ये आया यहाँ पे चार वैल्यू थी एन नंबर में, उसमें प्लस हुआ दो, छ हो गया, छ हो गया, तो यहाँ आठ और एन नंबर में आया छ, एन इवन कहा था एक वन में का दो, अब दो हो गया, तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता चला जाएगा जब तक दस नहीं, दस जैसे चलेगा अपनी बारी की नहीं नहीं बढ़ती जाएगी, यानी समझ आया कैसे हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि पहली बार लूप से पाला पड़ा है आपका, है ना, तो इसके लिए मैं बेसिक बताऊं करते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं और ये लगाते क्या है, इसमें पहली चीज इसको देखो एनीवन, एनीवन और ये क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यू में बार बार जब उस प्रोसीजर में लौटता है तो प्लस कर रहा है, अपनी वैल्यू को प्लस कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि फिर दस बार स्टेप हुआ है कि नहीं हुआ, जो भी आपने फॉर्मूला बनाया कितनी बार चलाना है आपको पता होना चाहिए, है ना, कि 10 बार चलाना है 15 बार चलाना है, ये तो अब इसने सेट कर दिया लूप को 10 बार चलाना, तो ये प्रोसीजर इसी से ही है, ये सेम होगा हमेशा, ऐसा ही होगा जिस पर ट्रैक करेंगे ना कि 10 बार चलाना है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट जो लगाते हैं हर बार लूप में ना, इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो इससे आप लिमिट करते हैं लूप को कि कितनी बार चलना है, अब इसको भूल जाओ, उसके बाद रिपीटेटिव स्टेप्स क्या लेने हैं, ताकि अब जैसे एक ही में हम मल्टीप्लाई करते जाना है, तो यानी ये वैल्यू है मल्टीप्लाई, आगे इसी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ये क्या बोलते हैं, अगर सेकंड टाइम में वो ग्रेटर देन 10 हो जाए वो रिपीटेड खत्म हो जाएगा इटरेशन, होगा ही नहीं, कैसे होगा, आप एक एक करके बढ़ा रहे हो, जब स्टेप ही वन ऐड कर रहे हैं तो वो दस दूसरी बार में हो ही नहीं सकता, ये एन इवन का एन नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, देखो इस कैलकुलेशन में कहीं एन इवन का यूज किया इन्होंने नहीं किया ना, तो एन नंबर का मतलब खाली एक को इफेक्ट डाल रहा है, एक तो अपने आप को और एक एन प्रोडक्ट को, एन प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा है और एन नंबर अपने आप में दो जोड़ रहा है ताकि मैं इवन बन जाऊं, और एन प्रोडक्ट रखा है जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन सेव करते जाएंगे, और लास्ट में आके एन प्रोडक्ट के पास मल्टीप्लीकेशन बचेगी, एन एन नंबर के पास कोई इवन वैल्यू बचेगी जिसका कोई मतलब नहीं, और एन इवन के पास बस अपनी लिमिट बचेगी कि हाँ मैं 10 हो गया पूरा बंद कर दो, ठीक है, जो तीन बंदे अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर इन्होंने डिस्प्ले कराया और स्टॉप, अब लूप का दिखाऊं कैसे करूंगा, यही प्रोग्राम बना के दिखाऊं,
एन नंबर एन प्रोडक्ट एन इवन, अभी समझ आ जाएगा कि क्योंकि जब प्रोग्राम चलता है ना तो ज्यादा क्लियर होता है। एक बार नया प्रोग्राम बना करते हैं, जैसे ये एन सब है ना तो इसके नीचे अलग से भी कर सकते हैं सब एक्स वाई एक्स वाई जेड कर देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बना रहा हूँ मैं मोड के अंदर, कि जब मैं किसी मेज के साथ में उसको मैं असाइन करवाऊंगा तो बड़े को नहीं असाइन करते हैं, मैक्रो को असाइन कर देते हैं, क्योंकि जब आप राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करोगे तो अभी देखो मैंने एक पहले ऊपर बनाया था एक दो बनाया, ठीक है ये दिखेगा था, जब आप इस पे जाओगे ना इस पे डेवलपर पे तो ये मैक्रो पे क्लिक करोगे तो ये दोनों मैक्रो आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मॉड्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मॉड्यूल आता ही नहीं मैक्रो ही आएगा। क्योंकि मेरे जो इमेज से ही असाइन होगा तो पता क्या चलेगा कि मुझे पहला प्रोग्राम नाम से जो आपने नाम रखा होगा वो नाम मेरा एक ही है, मॉड्यूल के नाम से तो मतलब ही नहीं है, मैं अच्छा, कह रहा हूँ मैक्रो का नाम सब सब क्या है उसको कहते हैं सब प्रोसीजर और मैक्रो उसी को ही कहते हैं, मैक्रो आपका मॉड्यूल नहीं होता, मेरा मॉड्यूल मेरा साइन नहीं होता, मेरा मैक्रो साइन होता। हाँ मॉड्यूल वो पार्ट है जहाँ आप मैक्रो बनाते हो बहुत सारे, अच्छा एक प्लेस मान लो उसके ऊपर बनाते हो। हाँ और मैक्रो ही नहीं होता, मैक्रो होता है फंक्शन होता है, इवेंट मैक्रोज होते हैं, यूजर फॉर्म होते हैं, ये बीबीए के पार्ट और दुनिया जाए ये मैक्रो। हाँ हम क्या सीखते हैं बीबीए जिसके अंदर मैक्रो भी है और भी बहुत सारी मैक्रो उसका पार्ट है। अब जैसे आप ये कर रहे हो ना राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर रहे हो तो जितने मैक्रो होंगे वो आपको दिखा देगा, मॉड्यूल का नाम नहीं आ रहा है जो मैंने सब बनाया उसका नाम। हाँ मॉड्यूल से तो मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ एक और चीज होती है, जैसे आपने मैक्रो बना रहे हो ऐसे ही जैसे सबसे मैक्रो स्टार्ट होता है फंक्शन माय सब, ठीक है। अब जब आप फंक्शन बनाते हो वो कहाँ आता है, मैक्रो में नहीं आता, देखो उसी मॉड्यूल में बनाया मैंने, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, कहाँ दिखाएगा फंक्शन, ठीक है। और इसको जो मैं रिटर्न करूंगा वहां से माई सम, अब देखो बहुत ही शॉर्टकट में बता देना आप कैसे चलते हैं फंक्शन, इसको जो भी दोगे मैक्रो वाली सारी कैलकुलेशन वगैरह करा के माई सम को मैंने 12 दिए, अब माई सम का फंक्शन देखो चल के मेरे लिए क्या लाता, ठीक है 12 का मैंने उसे रिजल्ट दिया है। हाँ यहाँ मैंने रिजल्ट दे दिया, अब चाहे मैं इसी में से मेथड में से कैलकुलेट करवा के दे, है ना, ये जो कंडीशन वंडीशन लगा के जो मैंने दिया था जो रिजल्ट आएगा मैंने वहां से इनपुट। हाँ वहाँ वहाँ से क्या होता है कि जो फंक्शन का नाम होता है उसको करके इक्वल टू करके वो देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन था, पर अभी आगे देखते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्ड में होगा, ये पूरा ही दोबारा से होगा, पर मैं कंसीडर टू प्रोसीजर पे, मैं खाली आपको सैंपल दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे होता है, ये आपको डिटेल में पूरा बताया जाएगा कि ये स्पेशली डिक्लेरेशन के क्या रूल्स हैं, अलग से कैसे करना है, इफ के क्या रूल्स हैं और एक्सपेंड कैसे करना है, इफ के जैसे ही और भाई बंधु उनको यूज करना, लूप कितनी तरह के होता है कैसे यूज करना, अभी खाली इंट्रो है कि अच्छा ये डिसीजन इफ है डिसीजन का पार्ट हो गया, ये अच्छा ये फॉर ईच का हो गया या फॉर नेक्स्ट लूप का हो गया, तो ये आपको बस कीजिए फ्लो क्या है इसका, ठीक है। ये बना रहा था, हाँ तो न्यूमेरिक में एन नंबर एन प्रोडक्ट एन इवन, तो आई एन टीचर नहीं एन नंबर का एन इवन और एन प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसने क्या किया एन नंबर को कोई वैल्यू दी थी,
इक्वल टू क्या दिया था, 10 नंबर को 2 दे दिया यहाँ से मैंने, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट सप्लाई कर रहा हूँ वेरिएबल को कॉन्स्टेंट। एन ई वन के पास क्या था, 0, एन ई वन के पास 0 ये, और एन प्रोडक्ट के पास 1 था। अब सोचो कि एन प्रोडक्ट को इसने एन ई वन को 0 दे दिया, एन प्रोडक्ट को 1 दे दिया। एन नंबर का तो आपको समझ में आता है कि इवन नंबर से शुरू हो जाता है, पर एन प्रोडक्ट को 1 क्यों दिया, क्योंकि जब ये पहली बार मल्टीप्लाई करेगा अगर इसको 0 दे दिया तो 0 दे, तो वो 0 करता जाएगा, शुरुआत से 0 पे चले गए, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कोई वैल्यू में चेंज ही नहीं आएगा, 1 पे ही रहेगा, है ना। वो तो बढ़ेगा फिर उससे बढ़ने देगा। अब बात आती है कॉन्सेप्ट में सोचने पड़ेंगे कि मैं इस प्रोसेस को कैसे चलाऊं। हां अब देखो ये तो इसने मेथड लगाया है ना, वो डू व्हाइल लूप का लगाया, बाकी आपके अलग होंगे। इसमें कंडीशन लास्ट में चेक कर रहा है, यही होगा जो पहले ही चेक कर लेगा, मतलब ये जो फ्लो जहां रिसीव हो रहा है ना वही चेक करके चलेगा, तो ये जो है लास्ट में चेक कर रहा है। इसके लूप के कॉन्सेप्ट अलग अलग आएंगे, 4 तरह के लूप होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे उसमें। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इन्होंने बनाया क्या, तो पहले तो इसने दिया है एन प्रोडक्ट इक्वल टू एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, तो डू लूप व्हाइल, ये वो जो कंडीशन थी एन एन इवन लेस देन 10, ठीक है। ये डू और लूप के बीच में चलता है, व्हाइल कंडीशन से लगता, व्हाइल कंडीशन लगाता, ठीक है। यहाँ कंडीशन दे दी, अब बीच की प्रोग्रामिंग करनी है। एन प्रोडक्ट जो है इक्वल टू है एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, ठीक है। पहला हो गया, ये स्टेप फॉलो कर लिया हमने। फिर एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस टू, एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस टू, ठीक है। फिर क्या था, एन इवन, एन इवन इक्वल टू एन इवन प्लस वन, ठीक है, यही चल रहा है ना। ये देखो अलग अलग समझते हैं, यहां जल्दी समझ आएगा। एन नंबर में ये जो 2 प्लस कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, कि अगला नंबर इवन ही पड़े, ठीक है। ये किस लिए कर रहा है, ये जितनी बार इन कंडीशन दोहराएगा तब तक जब तक 10 ना हो जाए तब तक बाहर ना निकल रहे थे इस चक्कर से, ये ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये वाला मेन फैक्टर है, ये वाला कि एन नंबर में जब भी कोई नया नंबर आएगा वो प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पहले से प्रोडक्ट पड़ा हुआ है कितने स्टेप के पास मल्टीप्लाई होकर एन प्रोडक्ट में चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से दौड़ के आएगा तो एन प्रोडक्ट में वो नई वैल्यू आ चुकी होगी, फिर ये एन नंबर को उठा लेगा जो कि आपने 2 प्लस होकर आया, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट क्या किया, डिस्प्ले एन प्रोडक्ट, तो एमएसजी बॉक्स एन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो एपेड से मैं इसको चलाता हूँ, ये गया ये गया ये गया, तीनों में वैल्यू आ गई, डू से आया ये, ठीक है। अभी देखो क्या क्या वैल्यू है, एन प्रोडक्ट में 1 है, नंबर 2 है, इसमें क्या करता हूँ ऐड वॉच कर, फिर एन नंबर पे कितना हो गया। अभी देखो इसमें क्या करता हूँ ना, ये चीज अगर मुझे बार बार देखनी है, ठीक है, मेरे पास एक वॉच विंडो है, इसमें मैं ना सेट कर सकता हूँ, तो मुझे इतनी अभी जरूरत नहीं, तो ऐड टू वॉच है, ऐड वॉच एक एन प्रोडक्ट को
वॉच में कर दिया मैंने एनी वन को वॉच में कर दिया और एन नंबर को भी कर देता ठीक है। अब इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कि क्या क्या वैल्यू है ठीक है। अब मैं एफ एट करता जा रहा हूँ एन नंबर चार हो गई अब एनी वन की चेंज होगी है ना। अब देखो ये वाइल कंडीशन चेक करके कहाँ जा रहा है वाइल एनी वन से ये चेक कर रहा है एनी वन पे वन है तो वो लेस देन टेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब ये फिर से ऊपर चला गया। अब देखो ये इनकी वैल्यू बदल गई हुई है ना एन प्रोडक्ट के पास क्या है दो है ना। जैसे ही प्रोसेस हुआ एन प्रोडक्ट ने वैल्यू चेंज कर दी है ना उसके बाद एन नंबर चेंज करेगा छह हो गया। ये देखो ये बढ़ता चला गया। अच्छा दिक्कत क्या आ गई पाइप पे मुझे डैमेज कर दिया ओवरफ्लो हो गया। कई इंटीजर के साथ दिक्कत होती है कि ज्यादा उस पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे पार करते ही 32,000 इसलिए यहाँ पर मैं तो लॉन्ग लेना पड़ता। हेलो जब भी मैं रुक चलाऊंगा लॉन्ग कर लेना आधे घंटे बाद हाँ आ जाए या बोलो वीडियो भेज दूंगा। चलो आ जा ठीक है तो इसका जब भी हम लूप चलाएंगे क्योंकि हम लेके लॉन्ग लेना पड़ेगा जो अगर रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैं देख रहा था कि मेरे एन इवन और एन नंबर तो ठीक चल रहे हैं पर मल्टीप्लिकेशन के कारण इसमें वैल्यू ज्यादा जा रही है तो मैं क्या करूंगा सिर्फ एक वैल्यू को उसको लॉन्ग कर दूंगा ठीक है। शुरू में लॉन्ग ले लेता हूँ हाँ तो मतलब शुरू में ही लेना पड़ता है ना। जैसे अगर मुझे लेना पड़ता तो किसको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना मुझे इसको लॉन्ग कर देता हूँ लॉन्ग या डबल कर दो। अब देखता हूँ जो प्रॉब्लम आ रही थी इवन वाली थी ना हाँ इवन मेरा पाइप अटक गया था। इवन नहीं पाइप पे अटका वो इसी पे आके अटक रहा है आपका एन प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई होकर देखो कहाँ तक जा रहा है लॉन्ग भी फेल हो गया देख रहे हो हाँ ये देख रहे हो कितनी पहुंच चुकी है तो लॉन्ग भी इसमें फेल हो रहा है। अब लॉन्ग की जगह मैं और बड़ा डालूंगा अब आ जाएगा कहाँ जाएगा अच्छा आ गई ना ये टोटल वैल्यू आ गई वैसे में प्रोग्राम मैंने उसमें चला दिया। हाँ ये देखो वो जिस पे पीला दिखाता है ना एरर उसी में ही होती है। अब देख रहे हो कितनी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है कोई नहीं संभाल पा रहा इसे। अभी देखो एनी वन में क्या पहुंचे 9 पे तक पहुंच रहा है। अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो फिर मतलब वो कर देगा देख रहे हो कितनी वैल्यू जा रही है। तो इनके पास ना हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती इतना इसलिए तो इंटीजर सबसे पहले 65,000 तक फिर 6.5 लाख के आसपास तुम्हारा ये लॉग बन जाता है उससे बड़ी वैल्यू जो इधर मुझे नीचे दिखाया बाइट्स पे वो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही मल्टीप्लाई करते करते ये उस रेंज तक पहुंच गए ठीक है क्लियर हो गया। बाइट्स नहीं थी 2 × 4 = 8 × 12 = 16 × 200 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हाँ वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। अब देखो ये लूप के अंदर कंडीशन है काउंट द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन वैल्यू कि कितनी ऑड आ रही है कितनी इवन आ रही है। तो स्टार्ट न्यूमेरिक एन नंबर एन ऑड एन इवन एन काउंटर। अब ये एन काउंटर किस लिए लगाया है इसने देखो एक तो कंडीशन के जरिए एन इवन और एन ऑड ये अपने आप में प्लस कर रहा है वही इंक्रीमेंट है पर ये एन काउंटर इसका ध्यान रख रहा है कि 50 तक चल गया क्या काउंटर में इंक्रीमेंट करके इंक्रीमेंट मेरा भी करता है। देखो ये प्रोग्राम देखो अपने आप समझ आ जाएगा
अब देखो जब भी नंबर एक्सेप्ट किया इसने क्या बोला है, इवन एंड ऑड काउंट द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि 50 वैल्यू एंटर करनी है इसे, मतलब यहाँ पे इसने स्पेसिफाई नहीं किया पर इसने लिमिट जो दे रखी है इस बुक को 50 दे रखी है, किसके बेस पे, एनकाउंटर के बेस पे। तो जो प्रोसेस जितनी बार भी ये चलना है वो 50 बार चलना है जिसको ये एनकाउंटर से कंट्रोल करता है, ये इसी की बॉडी का ही पार्ट हो गया, समझ में है ना। ये जो एनकाउंटर है एन ओड है नाम से कुछ भी दे सकते ना, कुछ भी दे दो वही कंडीशन में होगा। तो इससे पहले एन अस्सी लगाना जरूरी है ताकि वो अगले को समझ में आए उसके लिए पता चले क्योंकि प्रोग्राम खाली इतने ही नहीं होते कि आप देखो इतने से हो और समझ आ जाए, प्रोग्राम होते हैं तो 200-200 पेज 400-400 पेज अब वो समझ नहीं आएंगे फिर, पर लॉजिक सबका यही होता है छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं फिर एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए वो ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर चाहिए, वो भी कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो लूप पे ही ध्यान दो क्या हो रहा है, सारा एनकाउंटर से कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक है। इसको अब यहाँ क्या कर रहा है, एक कंडीशन लगी है, अगर नंबर मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल टू 0 तो इवन में प्लस करेगा नहीं तो ऑड में प्लस करेगा, तो इवन ऑड कंडीशनल इंक्रीमेंट हो रहे हैं ना, है ना। अगर इवन है तो इवन में प्लस होगा, ऑड है तो ऑड में प्लस होगा, किस बेस पे, ये मॉड्यूलो के बेस पे। और तब तक जब 50 वैल्यू एंट्री नहीं हो जाती उसमें तब तक ये चलता रहेगा। 50 वैल्यू कौन सी वाली, ऐसा नहीं 1 से 50, एक्सेप्ट नंबर 50 बार एंट्री भी करवा रहा है यूजर से। अच्छा है ना, ये लूप के पार्ट है पूरा, ये देखो किया कुछ नहीं है इसके अंदर, ये जो डू लूप डू बाई लूप है ना इसी के अंदर एक इफ की कंडीशन लगा दिया और कुछ नहीं, बस जैसे वो स्ट्रक्चर को इफ कोई भी कंडीशन देके एंड इफ कर और इसी में कट कंट्रोल कर रहा है। फ्लो समझ में आ रहा है कैसे, मैं बता रहा हूँ है ना, बाकी ये धीरे धीरे आएगा लूप जब आप इस डॉक्यूमेंट को बस अपनी मास्टर कॉपी बना के रख लेना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह से और भी है, हाईएस्ट ऑफ एनी 10 नंबर, 10 नंबर का हाईएस्ट कैसे, अब मेरे ख्याल से आप इसको समझ जाओगे, समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, मॉड्यूलर होगा जिसके लिए ऑन पेज और ऑफ पेज हमें मॉड्यूल बना रहे हैं ना, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग है, मॉड्यूल और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है। अब देखो स्टार न्यूमेरिक एंड चॉइस, चॉइस का इसने एक दिया, मल्टीप्लाई के लिए एक दवा है, डिवाइड के लिए दो दवा है, आउटपुट में क्या है मैसेज दिखा रहा है उसे, डिस्प्ले एंटर चॉइस 1 2, ठीक है। एक और वैसे लगाया कि चॉइस डाले 1 से 2 के बीच में, एक्सेप्ट चॉइस, जो चॉइस उसने एंटर की 1 या 2 वो उसने एंट्री करवा दी एक चॉइस के अंदर, इस चॉइस 1 यस तो मल्टीप्लाई के लिए अलग देगा, अगर नहीं इस चॉइस 2 तो इसके लिए प्रोग्राम, ठीक है। नो पे बंदी कर दिया, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड इसने क्या किया, ये डिवाइड का एक मैक्रो बना दिया, डिवाइड ये हो गया और वाला मैक्रो एक अलग मॉड्यूल बनाया हमने, हाँ नीचे वाले अलग मॉड्यूल बनाया, हाँ। अब इसी को कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इसको कहेंगे अब ये दूसरे पेज पे जा रहा है ना ऑफ पेज कनेक्टर कहेंगे, सेम पेज पे कनेक्टर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप समझ रहे हैं किस, तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई में चले जाओ तो मल्टीप्लाई का प्रोग्राम कहाँ है मेरा, और रिटर्न वापस उसको वहीं ले आएगा, यहाँ से चला था वापस यहीं से आया और फिर फ्लो पूरा किया, मतलब रिजल्ट दिखा के फिर रिटर्न हो गया वहां प्रोग्राम को कंप्लीट किया। इसको करते कैसे, सिंपल है बहुत सिंपल है इसमें,
अब जैसे मुझे ये वाला बनाना था एबीसी वाला, ठीक है, सब ये करके बना देता हूँ, मुझे बस खाली इसका नाम देना है, बस ये क्या करेगा जैसे इसे डिस्प्ले को करूंगा, अगर मैंने वैसे नहीं किया, फिर से करता हूँ, ओके, जैसे उसका नाम आएगा ना वो वहां चला जाएगा, ठीक है, एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ इसमें कि जब यहाँ से ये एंड सब पे आएगा ना तो यहाँ रुकेगा थोड़ी देर के लिए, तो इसका काम हो जाने दो, ये आया ये रुक गया, आप यहाँ बीच का मैंने फटाफट दौड़ा दिया ब्रेक पॉइंट से, वहां रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, अब फिर बस क्लिक कर दो यहाँ पे F9 से भी लग जाता है, ठीक है, अब देखो F8 कर रहा हूँ, अभी तो मैं इसको ना मैनुअल चला रहा हूँ, तुमने और जब मुझे चलाना होगा, नहीं तो वो चलेगा, ये मैंने ब्रेक इसलिए दिया है कि जब यहाँ आए तो रुके थोड़ी देर आज, क्योंकि इसके आगे भी जाता तो आपको पता नहीं पड़ता कि वो गया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि वो रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न आया ना इसको इस लाइन के बाद जो नेक्स्ट लिखी होगी, तो एक साथ आप 2 गा दे दें 3 गा दे दें 50 मैक्रो एक साथ दे दें तो पहले जाएंगे फिर वापस आएंगे, वापस नहीं बनाएंगे, हाँ ये कनेक्टर्स होगा, इस तरह से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की जाती है, 50 सॉल्यूशन बनाए आपने और इसको इसमें एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, यही कोई चॉइस करके ये करना है ये करना है ये करना, छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी चीजें ऐसे। अब एक्सेल से पूछो कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, फिल्टर लगाना है, वैलिडेशन लगाना है, हर जगह अलग अलग है ना, अलग 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 हाँ, तो इसके मॉड्यूल्स अलग अलग बने हैं, कंबाइंड एक प्रोग्राम के थ्रू कर रखे हैं, इस यूजर इंटरफेस के थ्रू, इसके लिए यूजर फॉर्म बनाते हैं इस तरह कनेक्ट करने के लिए, मतलब वो था प्रोग्राम इंटरमीट भी हो गया पर यूजर को दिखा के करना है कि ये बनता है, ये एक अलग अलग प्रोग्राम है, उसको आप क्लिक करते हो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, समझे, कुछ कनेक्शन हुआ इससे, इस जो भी कनेक्टर लगा ना सेम नेम से लगा दो वो वापस उससे कनेक्ट हो जाएगा, हाँ वापस आता है, वापस आता है, इन शॉर्ट कि एक मैक्रो दूसरे मैक्रो को चला सकता है अगर उसके अंदर उसका नाम दे दो तो, हाँ बस। इसी तरह से अगर मैं कहूँ जैसे फंक्शन बनाया था ना हमने एक, अब पहला मैक्रो चला MSG बॉक्स क्या था माई सब, MySum फंक्शन, MySum का फंक्शन था ना, कहाँ है MySum का फंक्शन कर रखा हूँ, MySum को मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ MI as integer और I में इक्वल टू MySum कर देता हूँ, MySum अब देखते हैं और यहाँ i की वैल्यू दिखा देता है, ठीक है, तो अब क्या होगा ये देखते हैं, पहले नंबर मांग रहा है, ये दिखा रहा है पहला मैक्रो चल गया, दूसरा भाई सब में 12 भी रिटर्न करेगा, ठीक है ना, तो वो भी चला भाई सब में भी जाके चला, ठीक है ना, अभी सिर्फ वो ऊपर वाले पार्ट पे, हाँ तो फंक्शन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, मैक्रो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया, अभी बहुत ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है जैसे आज के लिए बहुत ही, एक जो माइक सब लगाया वो नीचे जाके लेके आया, लेके आया नीचे से उठा के उसको ऊपर लेके आया सब के अंदर, वो चला उधर, पर ये आपको दिखाई क्यों नहीं दिया वो, क्योंकि मैंने रोका नहीं था, कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था, और प्रोसेस वही किया है, सिंगल सिंगल करके ले लूंगा तो होगा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कुछ वैसे हो चुका है ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने पढ़ना है पूरा, और आज संडे है ना, तो इसकी घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है,
अच्छा एक ये मुझे पूछना था, स्काइप पे ऑनलाइन कैसे आते हैं? स्काइप पे तो मैं जब कर रहा था तो वो पेमेंट ये रोक रहा है ना, पेमेंट